बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टेंथ से बायोलॉजी। टॉपिक है हमारा नर्वस टिश्यू। पहले भी हम तीन टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं, आज हमारा फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई फ्रॉम द इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस मौजूद होते हैं उस स्टिमुलस की वजह से जानवरों के अंदर, जानवरों के जिस्म में जो रिस्पॉन्स पैदा होता है वो नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। जो रद्द अमल पैदा होता है या पैगाम या मैसेज पैदा होता है वो नर्वस टिश्यू की वजह से पैदा होता है, उसे हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं पैगाम को। अच्छा बेटे, जानवर, अब देखें स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, जैसे ठंड हो सकती है, कोल्ड, गर्मी हो सकती है, छूना हो सकता है, देखना हो सकता है, सूंघना हो सकता है, ये सारी की सारी स्टिमुलस है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी आँख जो है वो रिसेप्टर है उस पैगाम को वसूल करना, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उस पैगाम को वसूल करती है हमारी आँख, और जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो स्टिमुलस है और जो पैगाम पैदा हो रहा है वो नर्व इम्पल्स है। मतलब कहने का ये है, माहौल में कुछ ऐसे स्टिमुलस हैं जिस जो जानवरों के अंदर जो है रिस्पॉन्ड पैदा करते हैं, नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं, पैगाम पैदा करते हैं, और पैगाम को ट्रांसफ़र भी करना होता है, वो नर्वस टिश्यू का काम होता है। देखें बेटे, एबिलिटी, वो काबिलियत, वो खासियत क्या है? एबिलिटी टू रिक्वायर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पार्ट्स ऑफ बॉडी, के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टिमुलस की वजह से पैदा होने वाला जो पैगाम है उसकी ट्रांसमिशन भी काबिलियत है जानवरों के अंदर, वो सिर्फ़ और सिर्फ नर्वस टिश्यूज़ की वजह से। देखिए बेटा, मैंने खुद को थप्पड़ मारा है, ठीक है, थप्पड़ मारा है तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स पैदा हुए, नर्व इम्पल्स पैगाम, नर्व इम्पल्सिस जाएंगी रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर के पास, अब जिसके ज़रिए जाएंगी वो नर्वस टिश्यूज़ है। क्या है बेटा? नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ फॉर्म ए कम्युनिकेशन सिस्टम इन आवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में नर्वस टिश्यूज़ का काम जो होता है वो कम्युनिकेशन करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, कि जिस्म के एक हिस्से को दूसरे हिस्से तक पैगाम पहुँचाना या रबता कायम रखना वो नर्वस टिश्यूज़ का काम होता है। टिश्यू कंपोजिशन, अब वो कहते हैं कि जो नर्वस टिश्यू है किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं। दरअसल नर्वस टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन, के नर्व सेल या न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये नर्व इम्पल्स की है, या आप इसको न्यूरॉन भी कह सकते हैं। न्यूरॉन्स कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, जो न्यूरॉन्स से पैगाम गुजरेगा, मैसेज गुजरेगा, वो नर्व इम्पल्स की शक्ल में गुजरेगा, उसे हम नर्व इम्पल्स कहेंगे। नर्व इम्पल्स इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन, ठीक है। नर्वस टिश्यूज़ आर फाउंड इन, क्या हमारे जिस्म के किस किस हिस्से में नर्वस टिश्यूज़ पाए जाते हैं? ब्रेन में, दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड में, इसके अलावा नर्व्स में, और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से निकल रही हैं या उसमें दाखिल हो रही हैं, मतलब इन तीन चीज़ों के अंदर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स के अंदर नर्वस टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक चीज़ याद रखना, नर्वस टिश्यूज़ का काम कम्युनिकेशन करना ही होता है, जिस्म के एक हिस्से से एक हिस्से को दूसरे हिस्से के दरमियान रबता कायम रखना, ये कम्युनिकेशन सिस्टम नर्वस टिश्यूज़ ही करते हैं। अच्छा बेटा, ये एक नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स की डायग्राम है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पर गौर करते हैं तो नर्व सेल या न्यूरॉन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, दो स्ट्रक्चर पर, सेल बॉडी एंड न्यूरॉन, सॉरी एग्जॉन, सेल बॉडी एंड एग्जॉन्स। अगर हम सेल बॉडी की तरफ आएँ तो सेल बॉडी किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है? देखिए बेटा, ये सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी, इसके दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं, और इसके गिर्द उंगली की तरह बड़े हुए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और ये डेंड्राइट जो है दूसरे न्यूरॉन से या एग्जॉन से
पैगाम वसूल करते हैं, पैगाम को वसूल करना डेंड्राइट्स का काम होता है। उसके बाद एग्जॉन्स की तरफ आते हैं। एग्जॉन्स जो हैं इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके गिर्द श्वान सेल्स होते हैं। श्वान सेल्स, इनको हम सपोर्टिंग सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा आपको श्वान सेल्स के अंदर ये रेड कलर नज़र आ रहा होगा, ये लेयर होती है श्वान सेल्स के अंदर लिपिड की बनी हुई, एक माइलन शीट होती है। और ये माइलन शीट जो है इंसुलेटर होती है। इस माइलन शीट से कोई भी नर्व इम्पल्स या पैगाम नहीं गुजर सकता, इसीलिए पैगाम जो है नोड्स टू नोड्स जंप करके गुजरता है। मतलब डेंड्राइट से पैगाम, डेंड्राइट्स पैगाम को वसूल करते हैं और एग्जॉन जो है उस एग्जॉन जो है पैगाम किससे वसूल करता है, सेल बॉडी से। मतलब यहाँ से अगर पैगाम आ रहा है तो ये जंप करके जाएगा, नोड्स टू नोड्स जंप करके जाएगा। इसीलिए इन्हें बेटा कहते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्सिस कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? सॉल्टेटरी इम्पल्सिस। ये एक नर्व सेल या न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। इसमें माइलिन शीथ, श्वान सेल, नोड्स ऑफ रणवीर, ये सारी स्ट्रक्चर मिलकर एग्जॉन्स बनाती हैं। इसी तरह साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बॉडी। ये एक पूरी नर्व इम्पल्सिस है। तकरीबन इंसानी जिस्म के अंदर 10 मिलियंस नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह बेटा इसी के साथ एक और न्यूरॉन जुड़ा होगा, इसके साथ एक और न्यूरॉन, इसके साथ एक और न्यूरॉन जुड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है बहुत से न्यूरॉन्स मिलकर हमारे जिस्म में, एनिमल्स के जिस्म में कम्युनिकेशन सिस्टम कायम करते हैं। ये बेटा आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एक दफ़ा ये मुल्तान बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था कि राइट ए नोट ऑन नर्वस टिश्यूज़, तो आपने ये टिश्यूज़ के बारे में लिखना भी है और इसकी स्ट्रक्चर भी बनानी है। ओके बेटा, थैंक यू।